हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेम कार्ड। व्हाट इज़ ट्रेम कार्ड, ट्रेम कार्ड क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली ये होता है ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड, ठीक है। इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये कार्ड इशू किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट का TR लिया है और एमरजेंसी का EM, तो इसे ट्रेम कार्ड इसे बोला गया है, ठीक है। इसके बाकी जो क्यों इसे हम यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो जो ट्रेम कार्ड जो है वो एक ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड है। इसे एक डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ करते हैं। जब भी कोई भी ट्रांसपोर्ट, हमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करना है किसी भी डेंजरस गुड्स का या केमिकल का या किसी भी चीज़ का, तो हम इस ट्रेम कार्ड को देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन देता है व्हीकल के बारे में, ठीक है। तो तब ये इशू किया जाता है ट्रेम कार्ड जो है। तो ये जो ट्रेम कार्ड जो रहता है, इसमें आपको सब कुछ आइडेंटिफाई किया जाता है, आपको पूरा डिटेल में दिया जाता है कि इस ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा मटेरियल जा रहा है, और जो भी मटेरियल जा रहा है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी हाईली मटेरियल है जिसके कारण जो जल्दी आग पकड़ लेता है या कोई भी डेंजरस मटेरियल है, उसके लिए हम इस कार्ड को इशू करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, हर व्हीकल इस तरीके के मटेरियल नहीं कैरी कर सकता है, तो इनके लिए पर्टिकुलर व्हीकल्स रहते हैं जो कि सिर्फ इसी तरीके के मटेरियल ले जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें सब कुछ मेंशन किया जाता है कि कौन सा मटेरियल है, कैसे हैंडल करना है, उसकी MSDS क्या है, कैसे कैरी करना है, उसका कैसे लोडिंग रीलोडिंग करनी है, इन सभी चीज़ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो कोई भी इस तरीके का केमिकल रहता है, डेंजरस मटेरियल या गुड्स रहते हैं, तो इनमें इनकी लोडिंग और रीलोडिंग के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी मैं एक बार बता चुकी हूँ आपको, हमारे चैनल पे जो वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हैं एक बार कि कैसे हम किसी भी हजार्डियस केमिकल को लोडिंग और रीलोडिंग उसकी कैसे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करनी होती हैं कि जब भी हम कोई हजार्डियस मटेरियल लेके जा रहे हैं, इस तरीके का हाईली फ्लेमेबल मटेरियल लेके जा रहे हैं, तो हम कैसे उसे टैकल करें, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस उठाया और उसे रख दिया, तो वो इस तरीके का रहता है, ज़रा सा भी अगर उसे स्टैटिक चार्ज भी मिलेगा तो ब्लास्ट हो सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ों से बचा के इस तरीके के मटेरियल को ले जाना होता है। इस तरीके से हमारा जो कार्ड है वो इशू होता है, उसमें आपको सब कुछ मेंशन रहता है, जैसे मेंशन केमिकल आइडेंटिटी, ठीक है। हमें यहाँ मेंशन करना है उसकी आइडेंटिटी कि वो कौन सा केमिकल है और कितना हैजार्डियस है, क्या गुड क्या मटेरियल है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होंगी, ठीक है। हमें उसमें इमरजेंसी एक्शंस भी उसमें देने होंगे कि जैसे कि इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है मटेरियल को ले जाते वक्त, तो हमें ही उसको पूरा मेंशन करके देना है कि हमारा नेचर ऑफ हैजार्ड क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हमने क्या रखे और इमरजेंसी एक्शंस क्या है हमारे, ठीक है। तो नेचर ऑफ हैजार्ड क्या हो सकता है, जैसे कि अगर सामान लीक होता है तो आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, हमने प्रोटेक्टिव डिवाइसेस क्या दी हैं उस ट्रांसपोर्टेशन में, कि जैसे कि अगर लीकेज होता है तो क्या उन लोग को पता, जो भी ड्राइवर है जो भी कैरी करके जा रहा है मटेरियल, क्या उसको इन्फॉर्मेशन होती है, होगी तो कैसे होगी, तो वो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में आ गया, हमने क्या क्या डिवाइसेस उसमें यूज़ की, और हमारा इमरजेंसी एक्शन क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमने इमरजेंसी एक्शन क्या क्या रखे, हम उसमें सब कुछ बिल्कुल उसका एक चेकलिस्ट बना के, एक डॉक्यूमेंटेशन करके ये सारी चीज़ें उस पर लगा देते हैं, ठीक है। फिर अगर स्पिलेज होता है, तो मतलब जैसे कि कोई मटेरियल ज़्यादा भर दिया है और वो लीक हो रहा है, तो फैल रहा है, तो है ना, आग लग सकती है, फर्स्ट एड क्या हमें लेने हैं, तो इसमें सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होती हैं, ठीक है। जो भी मैन्युफैक्चरर जो भी सेंड कर रहा है ये सारा मटेरियल, उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करें, है ना। तो जिससे कि क्या होगा, जो भी आप हैजार्डियस मटेरियल ले जा रहे हैं, जो भी केमिकल आप ले जा रहे हैं, तो उसमें जो भी आपकी सेफ्टी है वो शो करेगी, आपकी सेफ्टी बताएगी कि आपने जो ट्रांसपोर्टेशन किया है वो सेफ्टी के साथ किया है। क्योंकि अगर विदाउट सेफ्टी आप कोई भी इस तरीके का मटेरियल निकालते हैं अपने अपने वर्क प्लेस से, अपने इंडस्ट्रीज से, तो एक्सीडेंट होता है, तो वो एक्सीडेंट आपको मतलब प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम देगा ही देगा। क्योंकि इस तरीके से किसी ट्रांसपोर्टेशन में अगर ब्लास्ट होता है, आग लगती है, तो ये बहुत ही डेंजरस रहता है। तो इसीलिए हम इस कार्ड का यूज़ करते हैं, ट्रेम कार्ड का हम इसीलिए यूज़ करते हैं। तो ट्रेम कार्ड का यूज़ सिर्फ इतना है कि जब भी आप कोई भी इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कोई मटेरियल को आपको जल्द से जल्द पहुंचाना है, उन तक जल्द पहुंचाना है, तो आप इस तरीके के कार्ड इशू करके उसमें सारी चीज़ें नोट
नोट करके उसमें मटेरियल मेंशन करके सारे आपके MSDS लिख के, आपके इमरजेंसी प्लान लिख के, सारी चीज़ें इंक्लूड करके आप फिर उसे भेज सकते हैं, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन आप करवा सकते हैं। तो आज ये मैंने आपको ट्रेम कार्ड के ऊपर बताया। तो ये ट्रेम कार्ड जो है वो हमें हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया भी जाता है। सो थैंक यू।